Hey guys, it's Chennath. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो guys, आज हम react करने वाले हैं बदला ब्रदर की एक video पे जिसका title है Arturul Ghazi and Pakistan Exposed. तो ये video मैं सिर्फ इसलिए देखना चाहती हूँ कि इसमें expose वाली क्या बात है. So guys, original video का link description में है, तो वहाँ से पास. So guys, original video का link description में, तो आप वहाँ से check out कर सकते हैं. चलो start करें. Fanny. जी ले ले जाओगे. Jocks थे, jocks करे. Just jockey. चलो. Readies? Ready. Readies. Ready 1, 2, 3. Readies. Readies. Gosh. Halima Sultan. आप भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तरह ठीक ठाक बेगैरत हो. म्यूजिक. अच्छा अच्छा ट्रेडिशनल वासी के आपका गुंचे दिल खुशियों से शदाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक ड्रामा रिलीज किया गया था जिसका नाम है अर्तुरुल गाजी, जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इतनी मकबूलियत हासिल की कि कुछ लोगों की खोपड़ियों के ढेले बाहर आ गए. इस ड्रामे के बड़े तकमीर थे, ईट एन प्रो एन म्यूट एन हर एक उम्र के लोगों ने देखा. तुर्की के मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का पाकिस्तानी अवाम पर शहर तारी. मुल्क भर से गैर सरकारी और गैर हतमी नतज मौसूल होना शुरू. खवातीन की जानिब से बच्चों को 10-10 रुपए देकर हलीमा सुल्तान बोलने की पेशकश. अर्तुगरुल सर्वे स्टेशन और अर्तुगरुल पापड़ के बाद अर्तुगरुल नसवार भी मैदान में आ गई. इसी वजह से शायद ये ड्रामा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मौजूद कुछ लोगों को तशरीफ पे लगे हुए सेक्के की तरह महसूस हो रहा था और कुछ को तो अब भी हो रहा है. इस ड्रामे को कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हर रोज एक एक एपिसोड करके देख और कुछ लोग मेरे जैसे दुबारियों ने तो एक महीने के अंदर ही सबटाइटल के साथ सारा देख लिया. इस ड्रामे को हर जगह इस्तेमाल किया है. फेसबुक पे है चौधरी अर्तुरुल गुजर, अर्तुगरुल पापड़, अर्तुगरुल चारा हाउस और फिर जितना इस टिकटॉकर्स ने रोला ना, किसी ने नहीं रोला. पाकिस्तान में अर्तुरुल का एक कार्बन कॉपी भी ढूंढ लिया. तो चलो यार, अपने मुद्दे पे आते हैं. जिस चीज के वजह से मुझे ये वीडियो पहले भी बनानी पड़ी थी और अब दोबारा बनानी पड़ रही है. इस वीडियो को जब मैंने 2-3 महीने पहले अपलोड किया था ना, तो ये मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी और अच्छे खासे व्यूज और लाइक्स मिले थे. लेकिन चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से जो मैंने 10 वीडियो डिलीट की थी, उनमें से एक ये भी थी. खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेसेस इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं. उससे पहले एक आखिरी बात बता दूं कि ये वीडियो किसी अदाकार या अदाकारा के फैंस के दिलों को दुखाने के लिए, गुर्दों को दुखाने के लिए या फिर फेफड़ों को दुखाने के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पस के लिए है. सो डोंट गो एनी हेड, कीप स्माइलिंग. पाकिस्तान जो है, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि हमारे नेशनल चैनल पर किसी बाहर के मुल्क के प्रोडक्ट क्यों चले. तो शान साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान में कंटेंट भरा पड़ा है, तो हम क्यों पाकिस्तान के टेलीविजन पर एक गैर मुल्की सीरीज चला रहे हैं. तो चलो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले शान साहब का पाकिस्तानी कंटेंट, इस्लामी और तारीखी कंटेंट देख लेते हैं. और शान साहब का बहुत सा ऐसा कंटेंट है जिसमें वो रीमा बाजी के पाँव के बोसे ले रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते. इसलिए रीमा बाजी, शान साहब तो ठंडे होके मठे होके बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने बाद में एतराफ भी कर लिया था कि नहीं, अर्तुरुल ड्रामा बिल्कुल ठीक है. अब आप ऐसा करें कि अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं. किसी बाहर के मुल्क के प्रोडक्ट क्यों चले. तो वजीर आजम साहब उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको आगे लेकर जाएगा. ये बंदा इनमें कुछ समझदार लग रहा है. ये ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने कहा है कि ये ड्रामा अच्छा है, तारीखी ड्रामा, देखने दो नस्लों को. वो नस्लें जो टिकटॉक पे खुसरे बन चुकी है, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना. हॉलीवुड की फिल्म आती है या फिर वो हॉलीवुड से बॉलीवुड से होकर फिर यहाँ पहुँच जाती है लॉलीवुड, वो भी उसकी कॉपी कर लेते हैं. हम वो फिल्में बनाना चाहते हैं
जो बताएं कि ये जो मैंने अभी आपसे बात की है वो क्या चीज़ थी मुसलमानों, एक से एक बड़ा अजीम इंसान खालिद बिन वलीद के ऊपर फिल्म बने और जो हमारे इतने हीरो निकले थे उनके ऊपर फिल्में बने। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे दूसरी फिल्में ड्रामे बन सकते हैं वहाँ पे ये रियल लाइफ हीरोज पे ड्रामे फिल्में क्यों नहीं बन सकती। प्राइवेट चैनल्स पे और बात, प्राइवेट चैनल वाले हैं, प्राइवेट चैनल वाले तो आपको जो भी ड्रामा दिखाएंगे वो इश्क मशहूकी के इर्द गिर्द घूमने वाली अशियाओं पर मुनहसिर होता है। लड़की कैसे फंसानी है, लड़की का प्यार कैसे जीतना है, अगर लड़के वाले नहीं मान रहे तो लड़की को कैसे लेके दौड़ जाना है। अक्सर ड्रामों का प्यार मोहब्बत इश्क मशहूकी, अरे भाई छोड़ दो, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा दूर ना जाओ। आजकल क्या ड्रामे चल रहे हैं यार, आपको सब कुछ पता तो है कि एक बहन दूसरी बहन के शोहर पे डोरे डाल रही है, एक बाप बेटे की बीवी पे डोरे डाल रहा है, और एक अमीर आदमी एक लड़की करने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो बात आपसे बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे ड्रामों में जो बैड कैरेक्टर्स हैं ये सबक के लिए हैं कि कुछ लोग सीखें कि इस तरह के नहीं बनना, इस तरह का नहीं होना। अगर ऐसा बनोगे तो जलील हो जाओगे, नो डाउट ये सबक के लिए है। और जो समझदार आदमी होता है वो हर चीज से कोई ना कोई सबक निकाल लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन ड्रामों से हजार गुना बेहतर ड्रामे को यानी कि अर्तुरुल ड्रामे को फजूल कहें, ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, बाहर के मुल्क के प्रोडक्ट क्यों चले। अच्छा अच्छा अच्छा, आप गैर मुल्की, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। रीमा खान पेड ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी विजयंती माला, ये जो आप एक गैर मुल्क उन्ही के स्टेज पे मुजरा करके जिसे आप इंग्लिश में डांस कहते हैं, ये सब कुछ करके एक गैर मुल्की, आपकी ही जुबान में कह रहा हूं कि एक गैर मुल्की को ट्रिब्यूट दे रहे थे, तब आपको नहीं याद आया। इधर ये यासिर साहब भी कह रहे थे कि लंडे के कपड़े और तुर्की के ड्रामे दोनों हमारी लोकल इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर देंगे। लाओ साहब, इसका मतलब तो वाज है कि आपको अपने ही कॉन्टेंट पे यकीन नहीं, आपने आज तक कुछ किया ही नहीं, लोगों को आज तक आप बेवकूफ बना रहे थे। और एक तलख हकीकत और बता दूं कि जब गैर मुल्की फिल्में हमारे ही सिनेमाओं में लगती थीं, तब आप में से कोई नहीं था बोलता कि गैर मुल्की फिल्में हमारी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर देंगी, नहीं तब कोई नहीं था बोलता, तब ये ख्वाहिश करते थे कि काश हम भी बॉलीवुड में काम करें। भाई जी मेरी किसी भी टॉलीवुड लॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो अपनी ही इंडस्ट्री के भांडों को खड़का के चेक करवा रहा हूँ कि ये कहते क्या है और करते क्या है। सारे के सारे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो, सारे कैसे जलन का शिकार हो सकते हैं, कुछ सिर्फ कुछ पांडे क्या कहा, अच्छा कंटेंट, पुरानी फिल्में हैं, आप ऐसा करो पुरानी फिल्में देख ही लो आज तो प्यार करेगा। प्यार देखिए वीडियो मैंने अब प्यार कर लिया, इन भाई साहब ने माकूल बात की थी कि अर्तुरुल ड्रामे के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, ऐसा काम देख के हसरत होती है कि काश हमसे भी ऐसा काम लिया जाता। मैं भी यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह का काम लिया ही नहीं गया, हालांकि पाकिस्तानी भी इस तरह का ड्रामा बना सकते हैं बल्कि इससे अच्छा बना सकते हैं। खैर छोड़ो, किने चुने लोग हैं जो इस ड्रामे के खिलाफ हैं। भोली आवाम ने हलीमा सुल्तान को अच्छे लिबास में अच्छी हरकतों में ड्रामे में देखा तो इन्होंने तसव्वुर कर लिया था कि ये रियल लाइफ में भी ऐसी है, ये इसका पहला ड्रामा है और इसको किसी मदरसे से कास्ट किया गया। लेकिन जब इंस्टा पे जाके देखा तो हर एक पाकिस्तानी का यही रिएक्शन था कि मेरी हलीमा ऐसा नहीं कर सकती, पैदा की है यार, वो भी एक एक्ट्रेस है पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की तरह, वो सारा मुआशरा यूरोपियन कल्चर को फॉलो करता है, वो एक अलहदा मामला है, अलहदा बहस है, इसलिए हम उस पे बात नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे इस ड्रामे पे कि ये ड्रामा ठीक है, हमें इसी तरह का ड्रामा चाहिए, बल्कि इस तरह के और बहुत सारे ड्रामे चाहिए। मैंने कहीं पे एक पोस्ट पढ़ी थी, पता नहीं वो सच्ची है या झूठी है, कि खलीलुर रहमान साहब इस तरह का एक ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर बहुत अच्छा ड्रामा है यार, इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजा आता है ना कि मैंने पूरे का पूरा ड्रामा सारे सीजन तकरीबन एक महीने के अंदर देख लिए थे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है वासी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक 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 करना मत भूलें। इस वीडियो का टारगेट दोबारा रखने लगा हूँ, कर देंगे ना पूरा कि नहीं, 15,000 लाइक्स है, कर दो यार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। सही है, बढ़िया, हां ठीक है, हां कैसा लगा तेरे को?
ठीक था, मुझे उसकी बात भी सही लगी कि ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि अच्छा है, मतलब वो काफी एक्चुअली इसने ब्लॉकबस्टर्स सारे तोड़ दिए ना, चार्टेड ऑल द ब्लॉकबस्टर्स, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. या तो मेरे को लगा कि अब आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो मेरे को लगा कि अब मेरे को देखना चाहिए, तो हम देखेंगे डेफिनेटली एंड फिर हम अपना भी इनपुट देंगे कि कैसा लगा हमें. बट मुझे इन लोगों की भी बात सही लगी कि ठीक है आप एक ही तरह का दिखा रहे हैं, बट आई थिंक लोग भी वही देखना चाहते हैं ना, पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू सी समथिंग डिफरेंट. उनको जैसे ये वाला सीरियल है लाइकिंग इट, या पीपल आर लविंग इट. नहीं कहा कि वहां का है यहां का, तो ये जो कह रहा है मुझे ठीक लगा, मेरे को भी सही लगा. आई सेकेंड बदला ब्रदर, मेरे को सही लग रहा है ये, एंड हम आपको देख के बताएंगे कि हमें ये सीरियल कैसा लगा. So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it. And if you did, this video ko like kar do, is pe comment kar do aur hamare channel ko subscribe kar do. So guys, this is Siddhu Vlog signing off. We love you guys.